तो धर्म का रक्षण हो ही नहीं सकता, सज्जनों का रक्षण हो ही नहीं सकता, तो हिंसा बहुत जरूरी है। और इसीलिए अपनी पुलिस और मिलिट्री हिंसा करती है, और हिंदुओं के सारे देवी देवता पूजाएं ही इसके लिए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हिंसा करी धर्म रक्षा के लिए, देश रक्षा के लिए। वो छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, महाराणा प्रताप जी महाराज जैसे महापुरुष हो, अथवा राम कृष्ण विष्णु शिव काल भैरव हनुमान जी भगवान, सारे के सारे देवी देवता, देवियां खास करके काली दुर्गा चंडी चामुंडा, सारे के सारे हिंसक भयानक मारामारी करने वाले। अहिंसा परमो धर्म, अच्छे को छेड़ना नहीं, धर्म हिंसा तथैव च, बुरे को छोड़ना नहीं, यही धर्म सिद्धांत है। अगर धर्म पर कोई शत्रु आता है तो उसका नाश करना अनिवार्य है, जो अपनी मिलिट्री और पुलिस वाले करते हैं। हिंदू संख्या में तो ज्यादा है हिंदुस्तान में, लेकिन वो अलग अलग जगह पे बांटे हुए हैं, ये पार्टी वो पार्टी वो पार्टी, और उसके वजह से आप जो कह रहे हैं वो क्या वो लक्ष्य साध्य हो पाएगा? ये धर्म गुरुओं का लक्ष्य ये होता है, सड़े हुए वर्णवाद जातीयवाद भाषावाद प्रांतवाद से जैसे ही हिंदू निकल गया, वैसे वो उसी को वोट करेगा, वो पार्टी को वोट नहीं करेगा, जो हिंदू हित की बात कर रहा है, जो हिंदू हित के काम कर रहा है, उसी को हिंदू वोट करना चालू हो जाएगा। वही हमारा टारगेट है, हिंदुओं का एकीकरण, वोटर बैंक बनाना।